खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आने वाले समय में मॉनसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है, तो वहां पर जेसीबी मशीनों को रखने की तैयारी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोगों ने काम करा लिया था, और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोगों ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो जो हमारे खतरे वाली जगह हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पर हमको संभावना लगती है कि जहाँ पर रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पर मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पर अभी भी मशीन लगाई गई हैं, बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इस तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं। तो जितने भी रूट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, सब जगहों पर हम लोग मशीन लगाते हैं, उसके GPS लोकेशन रखते हैं, उसमें जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनके नंबर, उनको डायरेक्शन रहता है कि किसी भी टाइम वो रेडी रहना चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है तो फ़ोन करें तो इमिडिएटली आके वो वहाँ पे काम करें। और ये सारा डिटेल जिला प्रशासन के साथ, वेबसाइट पे, आपदा प्रबंधन के साथ, इन सब के साथ भी शेयर किया जाता है, जिससे कि जहाँ से भी मैसेज हो, जिनको सबसे पहले मैसेज मिले वो इमिडिएटली ऑपरेटर को मोटिवेट कर सकें। इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो मेन हाईवेज हैं उनके जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसे शेरो बगड़ हो गया या और जो क्रॉनिक हमारे लैंडस्लाइड एरियाज हैं, उनके जो बाईपासेज हैं, जो छोटे रोड हैं, उनको भी हम लोग ने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है, वहाँ पे भी काम किया है कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारे क्रॉनिक एरियाज में, तो हम ट्रैफिक को, क्योंकि चारधाम यात्रा काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें, तो उसको पूरा ट्रैफिक हम दूसरे रोड से लेके, अपना थोड़ा डिस्टेंस बढ़ सकती है लेकिन ट्रैफिक बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी भी हम लोग ने तैयारी की हुई है। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पहुंच रहे के कपाट दर्श देश विदेश के श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड या कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र 18 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि श्री केदारनाथ धाम में अब तक 22,394 श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन किए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।